नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जब लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी। भर्ती है आपकी हाईकोर्ट चपरासी भर्ती, जिसके अंदर आप देखेंगे चंडीगढ़ के अंदर हाईकोर्ट की चपरासी भर्ती आई हुई है। इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रहती है, इसके अंदर कोई फीस नहीं लगेगी, एग्जाम फीस भी नहीं लगेगी, एग्जाम भी नहीं लगेगा। पद क्या रहते हैं, इसके अंदर आयु क्या है और आवेदन ऑनलाइन आपको करने हैं, वो कैसे किस डेट से किस डेट को करने, सारी बात बता दूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस नोटिफिकेशन को आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक है, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस आपके चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, जिसकी मदद से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस भर्ती के लिए आपको मैं बता दूं, आपके लिए सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप देखेगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं जिसके अंदर पंजाब हाईकोर्ट जो आपकी भर्ती है, जिसके अंदर पद बात करूं चपरासी का है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दो आपकी 300 पद है। नोटिस आपकी 25 अगस्त को जारी हो चुका है, लास्ट डेट आपका 20 सितंबर तक है और फीस आपको ₹700 फीस लगेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सीधी बात है, मैंने थंबनेल पे घने ही आपको नो फीस लिखी, लेकिन ₹700 फीस लग रही है, वो आपको जनरल कैंडिडेट को लग रही है, बाकी अन्य कैंडिडेट एससी एसटी को छूट भी है। तो इसके अलावा देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त किसी भी, न्यूनतम आपको 8वीं पास चाहिए और इसके अंदर हाईएस्ट जो आपकी है 12वीं पास तक चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आयु की बात करूं 18 से 35 साल है, सिलेक्शन प्रोसेस है, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। फीस की बात करूं तो इसके अंदर सामान्य और अन्य राज्यों के एससी एसटी को फीस जो आपकी लगेगी वो आपकी ₹700 लगेगी, वहां के एससी एसटी जो उनकी छूट मिलेगी। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के एससी एसटी बीएस जो आपकी है ₹600 फीस है और सैलरी जो आपकी बात करूं इसके अंदर आपकी 16,900 से ₹53,500 प्रति माह तक रहेगी। आवेदन कैसे करना है उसके लिए भी देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी हाईकोर्ट जो आपकी CHFDA.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जरूरी डिटेल आपको सबमिट करना है और आपको इसके अंदर लॉग इन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है, फीस भुगतान करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करने का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड करवा दी आपको ए टू जेड। इसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, उसके अंदर आपको जो हरियाणा और पंजाब का जीके है वो आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैथ्स पूछी जाएगी, बेसिक सी नॉर्मल आपको इंग्लिश हिंदी पूछी जाएगी, वो सब इसके अंदर बेसिक सिलेबस रहेगा, ज्यादा कोई माता पूछी वाला काम नहीं है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके शारीरिक दक्षता की बात करूं, आप हटे कटे हो, फिजिकल में फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप हैंडीकैप वगैरह हैं तो वहां पे आपके चपरासी का काम कैसे कर देंगे जाके, आपके हाथ ही कटा हुआ होगा तो आप वहां पे चपरासी का काम कैसे करेंगे, तो उसकी वजह से हैंडीकैप को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सारी इसके अंदर प्रोसेस रहेगी, आपको मैंने ए टू जेड जानकारी दे दी। कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।